सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौलत अली ने अखिलेश यादव और स्थानीय सपा नेताओं पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम से सपा में सनसनी फैल गई है। हालांकि उन्होंने अभी किसी पार्टी में शामिल होने के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार किया है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर मतदान से ठीक 10 दिन पहले वरिष्ठ नेता का यह कदम सपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिरकार सपा के पूर्व विधायक सौलत अली ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वह लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। अब चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करेंगे, इस सवाल पर मतदान की तारीख 23 से पहले राय जाहिर करेंगे। लोकसभा चुनाव में सपा पूर्व विधायक सौलत अली ने उम्मीदवारी पेश की थी। पहले नासिर कुरैशी और बाद में डॉक्टर एसटी हसन को टिकट होने पर पूर्व विधायक नाखुश थे, लिहाजा उन्होंने सपा पर पूंजीपतियों और तानाशाहों की पार्टी का आरोप लगाकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को इस्तीफा भेजा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अंदर चल रही उठापटक सामने आती जा रही है। कांग्रेस के बाद अब सपा के अंदर से विरोध की आवाज बुलंद हुई है। सपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक सौलत अली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुरादाबाद देहात से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष जी को जो ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है, क्या मामला बताइए। ये ज्ञापन नहीं है, मैंने आपको एक प्रिंट कॉपी इसकी दी है। ये मेरा समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र है। आज मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। कुछ कारण ऐसे रहे जिनसे मेरा मन क्षुब्ध हुआ, मेरे लोगों का मन क्षुब्ध हुआ, नाराज हुए लोग, और ख़ास तौर से जो इस वक्त संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो निर्णय हुआ है उसको लेकर के काफ़ी लोग नाराज़ रहे, क्योंकि एक वादा माननीय अखिलेश जी ने 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय किया था, जिसके भरोसे पे हम समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंचे थे, और उस वादे को 2 साल से बराबर वो हमसे याद दिलाते आ रहे थे, हम उन्हें याद दिला रहे थे और वो हमें याद दिलाया करते थे। और हमें ये पूरी हमें और हमारे लोगों को ये उम्मीद थी कि वो अपना वादा निभाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ भी वजह रही हो, मैं नहीं जानता कि क्या कारण रहा, उन पर कौन सा दबाव रहा, कौन सी उनकी मजबूरी रही, उन्होंने उसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग किया है, मुक्त किया है, क्योंकि इस वक्त चुनाव का समय है और मुझ पर दबाव बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है चुनाव में शामिल होने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए, उनकी मीटिंगों में जाने के लिए, और मैं अपने आप को उसमें असहाय महसूस कर रहा हूँ। तो मेरे पास कोई और रास्ता इसके अलावा नहीं था कि मैं पार्टी से अपने आप को मुक्त कर लूँ, अलग हो जाऊँ, ताकि मुझे चैन की सांस मिले और मैं उससे अपने आप को बचा सकूँ। इसलिए मैंने अपना आज त्यागपत्र पेश किया है। क्या वजह थी जो आप सपा छोड़ रहे? मैंने वजह बताई ना आपको कि